हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स सीएफओस का, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसएफ बोलेंगे। तो देखते हैं क्या है। सीएफओस एट एनी सेक्शन इज रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस ईदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब देखो क्या है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स फोर्सेस होते क्या हैं। यहाँ पर देखो, अपने एक सेक्शन दिया हुआ है जो कि क्या है, सर्कुलर है। एक सर्कुलर सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो एक्सिस हो कहाँ से होगा, उसको सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो सेंटर से पास करने पे क्या है, ट्रांसवर्स फोर्स उसको बोलते हैं जो उस एक्सिस के 90 डिग्री में ऐड करता है। जो भी फोर्सेस, देखो जैसे इसका एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ से पास कर रहा है, और ये जो फोर्स आपको पी दिया देती है, दैट इज 90 डिग्री टू दिस एक्सिस। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स फोर्स बोलेंगे। ओके, तो सीएफ फोर्स एट एनी सेक्शन इज रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस इधर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड वाले पॉइंट की, दैट इज शियर फोर्स एट इन, हाँ, शियर फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम इधर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब क्या, देखो इसका जब मैं दो पार्ट में मतलब कट कर दूंगा मैं, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से कहीं कट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो देखो ये वाला भाग आपको यहाँ बना हुआ है और ये वाला भाग जो आपको यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स लगा, देखो यहाँ पे क्या आपका हिंज लगा, यहाँ पे आपका एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे पी लगा हुआ है विच इज़ एट अ डिस्टेंस एल बाय टू फ्रॉम दिस एंड एंड एल बाय टू फ्रॉम दिस एंड। मतलब ये है कि इस पूरे स्पैन का आपको जो लेंथ दिया, दैट इज़ एल। ओके, और ये कहाँ पे मिड पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो इसको अपन जब बांटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ की जो आपकी वैल्यू मिलेगी दैट इज़ पी बाई टू, और यहाँ का कुछ वैल्यू मिलेगा दैट इज़ पी बाई टू। तो यहाँ पे पी बाई टू दिखा दिया, इस एंड को हमने दिखा दिया यहाँ पे पी बाई टू। तो यहाँ पे अपन जब इस सेक्शन को कट करेंगे, तो यहाँ पे जो लगेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो यहाँ पे देखो आपको पी बाई टू ऊपर लग रहा है कि नहीं, तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम रखने के लिए एक पी बाई टू लगाना पड़ेगा जो क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। ठीक है, तो देखो ये अपोजिट में लगा पी बाई टू। अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे पी बाई टू लगा हुआ है, और देखो यहाँ भी देखो पी बाई टू लगा हुआ है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये भी ऊपर चढ़ रहा है, ये भी ऊपर चढ़ रहा है, पी बाई टू वैल्यू इसकी भी है, पी बाई टू वैल्यू इसकी भी है, तो आपको याद ये रखना है, ध्यान ये रखना है, देखो आपको यहाँ पे एक अलग से पी लगा हुआ है। तो पी बाई टू ऐड करने पर अपना क्या होगा, ये पी हो जाएगा, दोनों ऊपर चढ़ रहा है तो वैल्यू कितनी पी हो गई, और ये जो पी है यहाँ आपके क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तब ये बॉडी क्या आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इस वीडियो बस इतना ही है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन शियर फोर्स। तो इस वीडियो बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।